Hey guys, welcome back to our channel Sharma Ji Ka Beta Imbibe Complex Concepts. Automobile sector par COVID ka impact sabse zyada pada hai. Aaj ka hamara topic bhi yahi hai ki kya automobile sector mein demand badhane ke liye turant GST rate cut kar dena chahiye. Automobile industry bharat ke sabse tezi se badhte aur leading sections mein se ek hai. Ye sector akele desh ke 49% manufacturing GDP और 27% इंडस्ट्रियल जीडीपी में योगदान करता है। ये 37 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान करता है। देश के कुल जीएसटी कलेक्शन का कम से कम 15% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। इन केस ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कार्स जीएसटी का रेट 43% तक है इंक्लूडिंग कंपनसेशन सेस। काफी समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मांग को बढ़ावा देने के लिए वाहनों पर जीएसटी दर में कटौती की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये उपाय सुझाया है कि वे विदेशी पेरेंट कंपनीज को देने वाले रॉयल्टी को कम करके कॉस्ट रिड्यूस करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रीसेंट बयान में कहा है कि दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दर में कमी के लिए विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये न तो सिन गुड्स हैं और न लग्जरी गुड्स। कोविड ने आबादी में मध्यम या निचले आय वर्ग के एक बड़े हिस्से को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जगह टू व्हीलर्स वाहनों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है और वर्तमान में टू व्हीलर्स वाहनों पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में अच्छी मांग के साथ यात्री वाहनों पर जीएसटी दर में कटौती की तत्काल आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि अगर भविष्य में मांग की गई तो सरकार को जीएसटी में राहत देने पर विचार करना चाहिए। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और सेल्स बढ़ रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज नहीं चाहते कि टैक्स कट की अटकलों को बल मिले, जिससे कस्टमर्स अपने प्लान्स को पोस्टपोन करें। दिसंबर तक वैसे ही डिमांड ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उसके बाद दिक्कत हो सकती है, इसलिए जीएसटी में रेट कट का ये सबसे बेहतरीन समय होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है, जहां ऑटो उद्योग में रिकवरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है, वही ये महत्वपूर्ण है कि इस ट्रेंड को त्योहारी सीजन के बाद भी बरकरार रखा जाए। ये इंडस्ट्री एसोसिएशंस का एक कंटिन्यूअस सजेशन है, विशेष रूप से दोपहिया वाहन के केस में, जो ना तो सिन गुड्स हैं और ना ही लग्जरी सामान, कि जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर देना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कोविड के बाद ऑटो इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को एक एक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर डिमांड में कमी आती है तो जीएसटी रेट कट करके डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान जीएसटी रेट कट से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जो नए निवेश लाएगा और प्रत्याशी मांग को बढ़ावा देने के कारण अतिरिक्त नौकरियां भी पैदा करेगा। रेट कट टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों पर लागू की जानी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 और वर्तमान महामारी के दौरान दोनों सेगमेंट्स में मांग की गिरावट देखी गई थी। अब हमें ये देखना होगा कि नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि फिलहाल जीएसटी काउंसिल को रेट कट की अटकलों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिससे कस्टमर्स अपने प्लान्स पोस्टपोन करें और अगर जनवरी 2021 में डिमांड में कमी आती है तब जीएसटी रेट कट को लागू किया जाए। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। Please like, share and subscribe to our channel. We will see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.